दोस्तों, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल खेला गया। दोस्तों, जहां इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए थे, तो वहीं दोस्तों इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 290 रन बनाकर भारतीय टीम पर 99 रनों की बढ़त हासिल करी थी। वहीं जब दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करी, तो भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 466 रन बना डाले और इंग्लैंड की टीम को 368 रनों का टारगेट दिया। वहीं दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो इंग्लैंड की शुरुआत इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने काफी अच्छी तरीके से करवाई थी। दोस्तों, रोरी बंस और हसीब अहमद ने जहां ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रनों की करी थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धड़ाधड़ लंका लगा दी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक इंग्लैंड के धड़ाधड़ 6 विकेट गिरा दिए। यहां दोस्तों इंग्लैंड को पहला झटका शार्दुल ठाकुर ने रोरी बंस को आउट करके दिया था और रोरी बंस 50 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद दूसरा झटका भारतीय टीम की शानदार फील्डिंग की वजह से डेविड मलन के रूप में लगा और दोस्तों डेविड मलन 5 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा ने हसीब अहमद को 141 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया और हसीब अहमद 63 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका भी 146 रन के स्कोर पर ओली पोप के रूप में लग गया। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 146 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को बैक टू बैक दो बड़े झटके देते हुए ओली पोप और जोनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड मारा था, जहां दोस्तों ओली पोप 2 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं दोस्तों जोनी बेस्टो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने मोइन अली को आउट कर दिया और दोस्तों इंग्लैंड के 147 रन के स्कोर पर 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। वहीं इसके बाद इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका शार्दुल ठाकुर ने देते हुए जो रूट को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों इंग्लैंड का सातवां और सबसे बड़ा विकेट 182 रन के स्कोर पर जो रूट के रूप में गिरा और दोस्तों जो रूट 36 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मात्र इंग्लैंड के 3 विकेट झटकाने हैं और इंग्लैंड की टीम को अभी भी 180 से ज्यादा रन बनाने हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद उमेश यादव ने क्रिक वोक्स को भी आउट कर दिया और दोस्तों क्रिक वोक्स 18 रन बनाकर आउट हुए हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद उमेश यादव ने एक बार फिर से 202 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को नोवा झटका देते हुए क्रिंग ओवरटन को बोल्ड मार दिया और दोस्तों ओवरटन 10 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी झटका 210 रन के स्कोर पर देते हुए जेम्स एंडरसन को आउट कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ये मैच 157 रनों से हारी। और दोस्तों भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच जीतकर अब 2-1 की बढ़त बना ली है।